हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। इस वीडियो में आज हम देखेंगे एक वाईफाई कैमरा जो कि साइज़ के साथ छोटा होने के साथ साथ ही कीमत में भी काफ़ी कम है और ये काफ़ी बेहतरीन कैमरा है जो V380 नाम के एक ऐप पे चलता है। इस कैमरे को आप अपने फ़ोन में लाइव देख सकते हो। उसके अंदर मेमोरी कार्ड डालने पर आप इसकी रिकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो और अगर आप इसको वाईफाई से कनेक्ट करते हो, अगर आपके पास वाईफाई लगा हुआ है तो आप इसको कहीं से भी लाइव देख सकते हो। दो कंडीशन है, जहाँ पे आपने इस कैमरे को लगाना है वहाँ पे वाईफाई आपका होना चाहिए और दूसरा आपके फ़ोन में भी वाईफाई या मोबाइल डेटा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन अगर फुलफ़िल हैं और आपने कैमरे को कनेक्ट किया हुआ है, पावर ऑन किया हुआ है, तो आप इसको लाइव कहीं से भी देख सकते हो। और अगर आप इसमें मेमोरी कार्ड डालते हो जो कि 64 GB तक सपोर्ट करता है, तो ये आपको ऑलमोस्ट 15 डेज़ के आसपास रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर देता है जो कि आप अपने फ़ोन के थ्रू ही देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने कैमरे की तरफ। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना ताकि हम इस तरीके की वीडियो और भी आपके लिए लाते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए कैमरे को अनबॉक्स करते हैं। ये है वाईफाई कैमरा, इसकी स्पेसिफिकेशन है ये 2 MP का कैमरा है, 64 GB तक की स्टोरेज सपोर्ट करता है। ये ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट दोनों सपोर्ट करता है, IR नाइट विजन है। इसमें कोई PTZ कंट्रोल नहीं है, इसमें लिखा हुआ है बट ये PTZ कंट्रोल नहीं करता है, मोशन डिटेक्शन सपोर्ट लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं अनबॉक्स करके क्या है कुछ इस बॉक्स में। इसमें एक हमें मिलता है पावर अडेप्टर जो कि 5 वोल्ट का है, 1500 mA का। ये है हमारा मेन कैमरा बॉडी। ये हमारा कैमरे का स्टैंड है जिसको हम सीलिंग पे और वॉल पे दोनों पे हैंग कर सकते हैं जिसकी हेल्प से। ये पीछे इसमें स्क्रू दिया गया है जिसको हम इस तरीके से टाइट कर सकते हैं और इसको वॉल पे, किसी भी वॉल पे हम इसको लगा सकते हैं या फिर सीलिंग पे भी लगा सकते हैं। और अगर आप ये नहीं लगाना चाहते, आपको बस इसको सीधा ही हैंग करना है, तो ये चीज़ दी गई है, आप इसकी हेल्प से एक सिंगल स्क्रू की हेल्प से इसको हैंग कर सकते हैं। ठीक है, और यह इसमें नाइट विजन के लिए IR कट सेंसर दिया गया है। ये पीछे दिया गया है रीसेट बटन, आपको दिख रहा होगा शायद, ये रीसेट बटन दिया गया है। आप इसको 10 सेकंड तक पुश करके रखोगे तो ये रीसेट हो जाता है। और मेमोरी कार्ड डालने के लिए यहाँ पर जगह दी गई है, ये दिख रहा होगा आपको, आप इसमें मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। और देखते हैं बॉक्स में क्या है। टी पेच दिए गए हैं और ये है इसमें डेटा केबल, बस बॉक्स में और कुछ नहीं है, बॉक्स खाली हो जाता है यहाँ पर। तो ये डेटा केबल है, डेटा केबल की हेल्प से आप इसको पावर ऑन कर सकते हो। अभी मैं इसको डेटा केबल की हेल्प से, पावर बैंक की हेल्प से इसको ऑन करता हूँ। ये रहा मेरा पावर बैंक, ये भी ऑन हो गया है। जब तक ये ऑन होता है हम इसको एप्लीकेशन एक इंस्टॉल कर लेते हैं। एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल होती है V380। ये हमारी एप्लीकेशन है V380 Pro, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। देखो, अभी हमने कैमरे को ऑन किया था तो इसने 2-3 चीज़ें बोली, लास्ट में बोला एक्सेस पॉइंट रेडी। एक्सेस पॉइंट रेडी होने के बाद आपको किस तरीके से करना है ये मैं आपको ऐप में बताता हूँ।
आपको वेट करना है फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम जब आप कैमरा परचेज़ करोगे तो ये जब इसका बोलने का इंतजार करना है, ये बोलता है एक्सेस पॉइंट रेडी, रेडी बोलने के बाद में यानी कि कैमरा रेडी है एक्सेस करने के लिए। तो आप इसको इस तरीके से चला सकते हो, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐप इंस्टॉल हो गई है, अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये ऐप हमारी ओपन हो गई है। आई हैव रीड एंड एग्री, ये आपको सेलेक्ट करना है, रीड एंड एग्री कर देना है, कंफर्म कर देना है। ये यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा, अलाउ नहीं करोगे तो ऐप नहीं चलेगी, इसलिए अलाउ करना पड़ेगा। वो आप पढ़ भी सकते हो क्या चीज़ अलाउ करने की बोल रहा है। अगर आपको आप सहमत हो, आप एग्री हो उस चीज़ से, तो आप उसको अलाउ कर दो, अदरवाइज़ आपको फिर ऐप इंस्टॉल नहीं हो पाएगी, आप कर नहीं पाओगे। ये इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है, इसको आप नेक्स्ट कर सकते हो। अब ये ट्राई नाउ, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है रजिस्टर करने का, रजिस्टर किया होगा आपने या ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हो और तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, या आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो, ट्राई विदाउट एन अकाउंट, यहाँ से भी आप कर सकते हो। ट्राई विदाउट एन अकाउंट पे आप जाओगे तो ये ऑप्शन आएगा कंटिन्यू रजिस्टर, आपको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कैमरे के वाईफाई पे जाना है, जो कैमरा होता है उसके वाईफाई पे जाना है। वाईफाई पे आपको सर्च करना है, टैप करके रखोगे तो इंटरफेस खुल जाएगा इस तरीके से। आपको इसमें ये चेक करना है जो कैमरे का नंबर है, एम वी से स्टार्ट होता है, आपको दिख रहा होगा एम वी 5060 64 5468। ओके, तो ये कैमरे का नंबर है, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर ये कैमरे का नंबर दिया गया है। तो ये आप लास्ट के 3 डिजिट्स चेक कर लेना, 468, तो यहाँ पे भी 468 है, यानी कि ये इसी कैमरे का है। तो आप इसका ये कनेक्ट कर सकते हो, आपने ये कनेक्ट कर लिया तो अब ये यहाँ पे शो करेगा कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड शो करेगा। तो आपको जाना है ऐप में, आप ऐप में जाओगे, ऐप में जाके आपको सिंपल कुछ नहीं करना, एक बार ड्रैग डाउन करना है, सिर्फ ड्रैग डाउन करते ही आ जाएगा फाउंड डिवाइस। तो आप यहाँ पे जाके भी कर सकते हो, ऐड डिवाइस, ऐड डिवाइस पे जाओगे, आपका ये कैमरा शो करने लगेगा, देखो सेम नंबर है, वही शो कर गया है। फिर आप इसको प्ले करोगे, प्ले करोगे तो मैंने पासवर्ड बना रखा है, फर्स्ट टाइम अगर आपने पासवर्ड नहीं बनाया होगा तो वो भी मैं बता देता हूँ। अभी मैं इसको रीसेट मार देता हूँ, देखना फिर क्या होता है पासवर्ड बनाने के लिए क्या करोगे आप। मैं कैमरे को भी रीसेट मार देता हूँ, मैं इसको 10 सेकंड तक दबा के रखूँगा। अभी ये बोल रहा है रिस्टोर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग, इसका मतलब ये रिफ़्रेश हो चुका है, इसमें पासवर्ड जो भी हमने बनाया था डिलीट हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, एक्सेस पॉइंट रेडी बोलने का इंतजार करना है, बोलने के बाद में आपको वापस से वही प्रोसेस करना है, अपने वाईफाई पे टैप करके रखना है और आपके वाईफाई पे नंबर आ जाएगा इसका, जो कैमरे का आपने वो सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद में कनेक्ट हो जाएगा, फिर आपने ऐप पे जाना है वापस, तो जो आपने रिफ़्रेश किया था एक बार वो रिफ़्रेश कर देना है। देखो ये कैमरा, सेम कैमरा आ गया इसमें, तो आपने इसका प्ले करना है। अब ये दिखाएगा सेट पासवर्ड, तो आपने पासवर्ड को सेट करना है, पासवर्ड सेट हो जाएगा तो उसके बाद में ऊपर आएगा एडमिन, आपने उसको नीचे होना, वो यूज़र नेम होता है, नीचे आपने पासवर्ड बनाना है। मैं सिंपल पासवर्ड बना देता हूँ एडमिन 123, जो भी आप पासवर्ड बनाओगे उस पासवर्ड को याद रखना है आपको, ठीक है। चेक कर लेना है ठीक से डला है कि नहीं, देखो ये ठीक से नहीं डला है तो आपने इसको ठीक कर देना है। ठीक है, ये पासवर्ड आपका सेम होना चाहिए ऊपर नीचे दोनों साइड, आपने कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद ये कैमरा आपका चलने लग जाएगा, ये कैमरा आपका चलने लगा है और ये देख सकते हो कितनी अच्छी क्लैरिटी है इसकी, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन क्लैरिटी वाइज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्लैरिटी है। तो अभी ये कैमरा हमारा चल रहा है, तो अभी आप इसको
रोटेट करोगे तो ये पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा और आप इसको देख सकते हो। काफ़ी क्लियर कैमरा है, क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है कैमरे की। अभी तो ये हिल रहा है, बाकी इसको कहीं आप लगाओगे, लगा के रखोगे तो काफ़ी अच्छी क्लियरिटी आपको देगा। और इसमें ऑडियो डुअल वे ऑडियो टॉक भी है सिस्टम। आप ये आपका ऑडियो का ये बटन है, आपको एक बार टैप करना है और यहाँ पे अलाउ के लिए बोलेगा, आपने इसको अलाउ करना है। अलाउ V3S Pro टू रिकॉर्ड ऑडियोस, अलाउ, आपने अलाउ कर दिया। फिर आप इसको होल्ड टू टॉक करना है। हेलो हेलो हेलो, अभी ये पास है, काफ़ी पास है तो इसलिए इको साउंड कर रहा है। बाकी अगर आप लगाओगे फिर दूर से बोलोगे तो काफ़ी अच्छा साउंड, क्लियर साउंड बिल्कुल मिलता है आपको। आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। आवाज़ सुनने के लिए आपको ये यहाँ पे टैप करना पड़ेगा तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो। और इसमें आप एक साथ चार डिवाइस भी यूज़ कर सकते हो, उसके लिए ऑप्शन इस तरीके से आएगा। ये चारों कैमरे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, जो भी आपने चार कैमरे लगा रखे होंगे, ये सिंगल कैमरे के लिए। और इसमें आप मेमोरी कार्ड इंसर्ट करोगे तो आप यहाँ से रिप्ले पे जा कर के वो मेमोरी कार्ड का भी ऑप्शन देख सकते हो। ये मेमोरी कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका सारा डेटा आने लगेगा जो भी आपका रिकॉर्ड हुआ होगा। तो इस तरीके से ये कैमरा है। बाकी इसके साथ ही इसको, ये तो सिंपल चल रहा है आपके वाईफाई के थ्रू, यानी कि फ़ोन का वाईफाई और कैमरे का वाईफाई कनेक्ट है। अब आपको इसको अपने घर के वाईफाई पे देना है जिसे आप कहीं दूर से जाके भी देख सको तो भी आप कर सकते हो। इसके लिए ऑप्शन बताता हूँ। ये सब करने के बाद में कैमरा चलता हुआ दिख रहा है आपको, एक बार बैक करना है। कंडीशन ये है कि कैमरा कनेक्ट होना चाहिए, अगर कैमरा कनेक्ट नहीं होगा तो आप वाईफाई पे नहीं डाल सकते। आपको वाईफाई पे डालने के लिए कैमरे को इस तरीके से कनेक्ट करना है जिस तरीके से हमने किया था। ये वाईफाई पे देखो नाम आ रहा है कैमरे का, ऐसे आना चाहिए। फिर आप ये इसको, ये थ्री डॉट आपको दिख रही होंगी सर्कल के बीच में, यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद में आपको सेटिंग पर जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको ये नेटवर्क सेलेक्ट करना है। नेटवर्क सेलेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा वाईफाई स्टेशन मोड, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। वाईफाई स्टेशन मोड पे जाके क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा है प्लीज़ सेलेक्ट वाईफाई, आपने वाईफाई को सेलेक्ट करना है। वाईफाई को सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो भी आपका वाईफाई लगा हो वो शो कर जाएगा, जैसे मान लो मेरा जो लगा हुआ है ये। ये जाने के बाद में आपने यहाँ पर इसका पासवर्ड डाल देना है। मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, मैंने पासवर्ड डाल दिया। अभी कैमरे ने बोला है वाईफाई कनेक्टिंग, आपको एक मिनट का वेट करना है। अभी बोलेगा वाईफाई कनेक्टेड, जब तक कनेक्टेड ना बोले आपने कुछ नहीं करना, वेट करना है खाली। अब इसने बोल दिया कि वाईफाई कनेक्टेड, अभी ये वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि वाईफाई से कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। अभी ये मेरा फ़ोन है और मैंने इसमें चला दिया। अभी देखो ये चल रहा है, आपको दिख रहा होगा लाइव, ये देखो मेरा हाथ यहाँ पे दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपने चेक करना है कि ये ठीक से कनेक्ट हुआ भी है कि नहीं। उसके लिए आपने ये मोबाइल, ये आपका वाईफाई पे कनेक्ट है जो, इसको आप डिसकनेक्ट कर दो और मोबाइल डेटा ऑन कर लो, यानी कि ये हर तरफ से वाईफाई से डिसकनेक्ट हो गया। मोबाइल डेटा पे अगर चला तो समझ लो सक्सेसफुल आपका चल गया। इस तरीके से आप चला सकते हो। चेक कर लेते हैं हम, रिफ़्रेश कर लो इसको, रिफ़्रेश करना ज़रूरी है, एक आध बार रिफ़्रेश कर लो तो ये देखो चलने लगा। ये अभी आप देख सकते हो मेरे मोबाइल डेटा से चल रहा है। मेरा जो वाईफाई अभी बंद है आप देख सकते हो यहाँ पर, ये मोबाइल डेटा से चल रहा है, मोबाइल डेटा ऑन है। तो अभी मैं इसको देख सकता हूँ, ये देखो ये मेरा चल गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से चलेगा, एकदम बढ़िया चलेगा। और ये काफ़ी कामयाब चीज़ भी, सस्ता भी है और कामयाब भी है। और आपके जो ज़रूरत है, मिनिमम ज़रूरत होती है स्टार्टिंग में, वो बिल्कुल ज़रूर पूरी करेगा। छोटा होने के साथ साथ आप इसको कन्वीनियंटली कहीं भी लगा सकते हो, एज अ स्पाई कैम भी काम कर सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।